अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों क्लास सिक्स है, सब्जेक्ट मैथ्स, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन। चैप्टर नंबर वन नेम है सेट्स, और टॉपिक का नेम यहाँ पे बच्चों टेस्ट पेपर वन हम कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, तो टेस्ट पेपर वन है और उसका क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों। इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ कि री राइट द फॉलोइंग यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। तो बच्चों ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, कुछ पार्ट्स, उनको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने करना है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट है जो, उसको हम देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16, और ये चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू है। तो ये बच्चों क्या लिखे हुए हैं, देखें, ये 4 का टेबल नहीं लिखा हुआ भला, 4, 8, 12, 16, तो 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है ना हमने, तो सेट बिल्डर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ तो आनी ही आनी है, एक्स सच दैट एक्स, ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है एक्स, आगे जो दो नुक्ते लगे हुए हैं, ये जो दो डॉट ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं बच्चों मैथ में सच दैट, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ूंगा एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इज आ मल्टीपल ऑफ 4, क्या है x, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर जो 2 है बच्चों, वो क्या है कि b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। बच्चों ये देखें ज़रा, ये कौन से नंबर्स हैं, ये देख के बताएं ज़रा, ये बच्चों क्या प्राइम नंबर्स नहीं है, ये देखें ज़रा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं जिनके, ठीक है। टू फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो वन होता है फैक्टर, यानी कि वो वन पर भी डिवाइड हो जाते हैं, और एक वो फैक्टर, एक उनका फैक्टर वो खुद होते हैं, या तो वो वन पर डिवाइड होंगे या वो अपने आप पर डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा टू को, टू जो है वन पर भी डिवाइड हो जाता है और अपने आप पर भी डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा किसी और टेबल पर ये डिवाइड नहीं होगा किसी और नंबर पर, ठीक है। इस तरह थ्री को देखें, थ्री या तो वन पर डिवाइड होगा या थ्री पर ही डिवाइड होगा, इसके अलावा नहीं डिवाइड होगा। इस तरह फाइव को देखें, फाइव या तो वन पर होगा या फिर अपने आप पर ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसी तरह ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों, 7, 11, 13, 17, और इस तरह ये चलते ही जा रहे हैं, ऐसे नंबर इसमें लिखे हुए हैं जो या तो अपने आप पर डिवाइड होंगे या वन पर डिवाइड होंगे, यानी कि जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों, जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो एक्स प्राइम नंबर है, ठीक है। अब पार्ट नंबर जो थ्री है बच्चों, वो है सी इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। तो यहाँ पे बच्चों देखें ये कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, वन तो ठीक है, आगे वाले को देखें ज़रा, फोर, फोर एक कंप्लीट स्केयर है। स्केयर बच्चों क्या होता है कि स्केयर ऐसा नंबर होता है जो दो नंबरों से मिलकर बनता है, यानी कि एक ही नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाए, उसको बोलते हैं स्केयर। ये फोर कैसे बना है, टू और टू को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। नाइन कैसे बना है, थ्री और थ्री को मल्टीप्लाई करने से। 16 कैसे बना है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 25 कैसे बना है, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने से। 36 कैसे बना है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने से। इस तरह ये चलते ही जा रहे हैं, तो मैं इनको बोलूँगा ये कंप्लीट स्केयर्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं, कंप्लीट स्केयर्स हैं ये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सॉल्यूशन में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्केयर, ठीक है बच्चों। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, वो बच्चों आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। अब मैं बुक से आपको इसका पेज नंबर बताता चलता हूँ कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये कहाँ से किया। पेज नंबर बच्चों ये है 16, एंड पे लास्ट में दिया हुआ है, और ये हमने काम किया है आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने सारा कर लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।